मेरे आराध्य, ये केवल 3 दिन तक ही नहीं बोलना है मेरो वृंदावन, जब तक श्वास रहे जब तक यही बोलना है मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन। श्री धाम वृंदावन सबको अपनाता है। एक दृष्टि डालकर देखो धाम की कृपा पर, किसी का बालक कीचड़ में गिर जाए, ध्यान से सुनना, कीचड़ में सने हुए बालक को देख तो सब लेंगे लेकिन उसे निकालने के लिए आवाज किसको लगाएंगे? उसकी मां को, अरे तेरा बालक कीचड़ में गिर गया है। जय हो। हाँ, देख तो लेंगे लेकिन उस कीचड़ से निकालने के लिए उसकी मां को पुकारते, अरे देख तेरा बालक कीचड़ में सन गया, जल्दी आ इसे उठा यहां से। और मां ने चाहे कितने ही कीमती वस्त्र पहन रखे हों, उस समय वो अपने वस्त्रों पर ध्यान नहीं देगी, छठ जाके कीचड़ में से उस बालक को हृदय से लगा ले, है कि नहीं? श्री धाम वृंदावन भी तो हमारी मां ही है। श्री धाम वृंदावन जैसा वात्सल्य कहीं और मिल नहीं पाएगा प्रेमियों। उदाहरण के लिए कीचड़ में सना हुआ बालक जिसका हो, उसकी मां ध्यान नहीं देती कि कीचड़ में सना हुआ है, इस पे गंदगी लगी हुई है, बस कीचड़ में सने हुए बालक को देख के तुरंत हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। और चाहे कितने ही कीमती वस्त्र हों, उस समय कोई परवाह नहीं, उस सने हुए बालक को वो हृदय से लगा लेती है। प्रेमियों जरा विचार करो, हम भी तो काम क्रोध मद लोभ की गंदगी से सने हुए हैं, हम में भी तो छल कपट भरा हुआ है, हम में भी तो चतुराई भरी हुई है, नाना प्रकार के अवगुण हमारे अंदर होने के बाद भी क्या श्रीधाम वृंदावन हमें आश्रय नहीं देता? क्या श्रीधाम वृंदावन हमें अपनाता नहीं? वृंदावन धाम कभी नहीं देखता। और श्रीधाम वृंदावन ने कभी ये नहीं विचारा कि मेरे अंदर केवल कोई पुण्यशाली ही आएंगे, वहां संत भी आते हैं, भक्त भी रहते हैं, वैष्णव भी रहते हैं, और हम जैसे अधमों को भी वो सहारा दे देते हैं, बुला लेते हैं, कभी विचार नहीं करते। ये धाम की कृपा है, ये धाम की कृपा है। और जब वृंदावन हमें हम जैसे काम क्रोध मद लोभ छल कपट चतुराई से सने हुए, उस कीचड़ से सने हुए जीव को वृंदावन एक मां के रूप में अपनाता है, तो हृदय में एक भाव जगता है। क्या भाव जगता है? कि संसार ने हमें नहीं अपनाया, संसार के लोगों ने नहीं अपनाया, लेकिन कितनी करुणा कृपा है श्री धाम वृंदावन की कि हम जैसे भी हैं वो हमें उसी स्थिति में अपना रहा है, आश्रय दे रहा है। किसी को किसी का बल, किसी को किसी का बल, किसी को किसी का बल, लेकिन प्रेमियों श्यामा श्याम के चरणों में अनुराग रखने वालों को तो केवल वृंदावन का ही बल है, वृंदावन का ही सहारा है, केवल वृंदावन का सहारा है। के विद्या बल पंडितों को, पंडितों को अपनी विद्या का बल है, हमने इतना अध्ययन किया, ज्ञान ज्ञान अर्जन कर लिया, ज्ञान अर्जित कर लिया, हमने इतने वेद शास्त्र पढ़ लिए, ज्ञान का बल हो जाता है, ज्ञान का अभिमान हो जाता है साहब। के विद्या बल पंडितों को और द्रव्य बल धनियों को, धनवान को अपने पैसे का मद है, अपने धन का बल है, और बाहुबल त्यों पहलवानों ने बिचारा है, पहलवानों को अपनी अपनी भुजाओं पर बल रहता है, अपनी शक्ति पर बल रहता है। के विद्या बल पंडितों को, द्रव्य बल धनियों को, और बाहुबल त्यों पहलवानों ने बिचारा है, औषधि बल वैद्यों को, वैद्यों को अपनी अपने उस कला पर,
अपनी उस औषधियों पर विश्वास है, बल है कि हम रोगों से मुक्त कर देंगे। लेकिन प्रेमियों, शारीरिक रोग से मुक्त वैद्य कर सकता है, लेकिन भव रोग से मुक्त तो श्यामा श्याम का नाम ही करता है। कि औषधि बल वैद्यों को और शांति बल साधुओं को, साधु संत अपनी एकांत में शांति में समाधि लगा के बैठे हैं, उन्हें उन्हीं का बल है, लेकिन हम जैसु का बल क्या है? औषधि बल वैद्यों को, शांति बल साधुओं को और निंदा बल नीचों को जगत ने पसारा है। लोभी दंभी कामी कपटी इन जैसे आदमियों को निंदा स्तुतियों का बल है। कोई बात हो या ना हो, अकारण झूठ बोल दिया, अकारण असत्य भाषण करके बस कोई ना कोई विवाद खड़ा करना है साहब, उनको कोई लेना देना नहीं कि वास्तविकता क्या है। सच्चाई का तो मुकुट ही नहीं देखा, लेकिन बस अपनी आदत से मजबूर है, बस निंदा स्तुति करनी है, चुगली करनी है, निंदाओं का आनंद लेना है, उनको उसका बल। हर किसी को किसी ना चीज का बल है। हो निंदा बल नीचों को जगत ने पसारा है, और किसको कैसा बल है? ज्ञान बल ज्ञानियों को, ध्यान बल ध्यानियों को, भक्ति का प्रबल बल भक्तों ने निहारा है। भक्ति का प्रबल बल भक्तों ने निहारा है। कभी कभी भक्ति का भी अभिमान हो जाता है, कभी कभी भजन का भी अभिमान हो जाता है। इतनी माला हम जपते हैं, इतना पाठ करते हैं, तुम कितनी करते हो? दिन भर में कितनी माला हो जाती होंगी तुम्हारी? और कोई बेचारा भोला भाला कहे भाई माला का तो समय नहीं, अरे फिर क्या फायदा है? हमें देखो, हम भी तुम्हारी तरह घर गृहस्थी में फंसे हैं, लेकिन फिर भी 21 माला तो कर ही लेते हैं, तुम्हें भी करनी चाहिए। कभी कभी भजन का भी अभिमान होता है, और भजन का आनंद लेना है तो प्यारे, भजन करते करते ऐसी स्थिति बन जाए हाथ से माला छूट जाए और होठ हिलने बंद हो जाए और अंदर ही अंदर भजन चलता है, ये भजन की स्थिति। हाथ से माला छूट जाए, होठ हिलने बंद हो जाए, किसी को पता ना चले आप क्या कर रहे हो और अंदर ही अंदर प्रियालाल का भजन हो रहा है। कि ज्ञान बल ज्ञानियों को, ध्यान बल ध्यानियों को, भक्ति का प्रबल बल भक्तों में निहारा है। और श्री हरे कृष्ण जी महाराज, श्री हरे कृष्ण सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, इन सबको जिसका बल हो, जिस पे अभिमान हो, लेकिन हम जैसों को तो एक ही बल है, एक ही अभिमान है। किस पर? हो चाहे जिसे हो हरे कृष्ण, चाहे जिसका बल, चाहे जिसे हो हरे कृष्ण, चाहे जिसका बल, हमें तो केवल वृंदावन का सहारा है, हमें तो केवल वृंदावन का सहारा है, हमें तो केवल वृंदावन का सहारा है। और जिसे वृंदावन आश्रय दे दे, जिसे श्री वृंदावन धाम सहारा दे दे, फिर प्रिया प्रीतम दूर थोड़ी है, दूर थोड़ी है। नाम रूप लीला धाम किसी का भी आश्रय ले लो प्यारे, भगवान का नाम श्रवण करते करते रूप का दर्शन हो जाता है, रूप का दर्शन करते करते लीलाओं का चिंतन होने लगता है, और लीलाओं का चिंतन करते करते धाम में वास हो जाता है प्यारे। नाम रूप लीला धाम, हमें तो केवल वृंदावन का सहारा है, लेकिन वृंदावन का सहारा मिले कैसे? कैसे मिले? मन तो चाहता है कि हम वृंदावन जाएं, मन तो चाहता है कि वृंदावन में बस जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मोह माया की जंजीरें जकड़े पड़े हैं, उन पाश में बंधे हुए हैं, उन जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनसे निकले कैसे बाहर? प्रेमियों, उनसे आप अपने आप कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वृंदावन वास के लिए, हरि का भजन करने के लिए साधन की आवश्यकता नहीं, ये तो कृपा साध्य है, कृपा साध्य है। बस आपको केवल यह प्रार्थना करनी है सरकार,
आपकी कृपा से मानव देह मिल गया, नर्तन मिल गया, आपकी कृपा से सुंदर परिवार मिल गया, बस इतनी कृपा करना, ये सब आपने दिया, लेकिन इन सब के बीच रहते हुए मेरे हृदय से आपका नाम विस्मृत ना हो, मैं आपके नाम को ना भूलूं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और केवल इतनी सी प्रार्थना से ही बात बन जाती है। इस माया के घोर जलाशय में, ये जलाशय ही तो है, ये माया का जलाशय ही तो है, जिसमें हम कोई डूब रहा है, कोई तैर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है साहब, चाह के भी निकल नहीं पा रहा है। इस माया के घोर जलाशय में, अरे बाहर नेक कढ़ो तो जरा, एक बार निकल कर तो देखो, जो तू आए एक पग तो मैं आऊं पग साठ। ठाकुर ने कहा तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा के देख, अगर मैं दौड़ता हुआ तुझे हृदय से लगाने के लिए ना आऊं तो कहना, लेकिन पहला कदम तो तुझे ही बढ़ाना पड़ेगा, पहला कदम तो तुझे ही बढ़ाना पड़ेगा। इस माया के घोर जलाशय में, अरे बाहर नेक कढ़ो तो जरा, निज जीवन लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ो तो जरा। इस जीवन का लक्ष्य केवल हरि प्राप्ति है, इस जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु प्राप्ति है, इस लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ो तो सही, अगर मार्ग में ही कन्हैया ना मिले तो कहना प्यार। अरे मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग थे जो घर से निकले ही नहीं प्यारे, जो घर से निकले। निज जीवन लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ो तो जरा, किस कारण दूर खड़े रहते तरु प्रेम खजूर पे चढ़ो तो जरा। उस प्रेम रूपी खजूर के वृक्ष पर चढ़कर तो देखो, अगर आपको मिठास ना मिले उस प्रेम रस की तो कहना, लेकिन खजूर के फल को पाना है तो खजूर के वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। किस कारण दूर खड़े डरते तरु प्रेम खजूर चढ़ो तो जरा, वह सुंदर शाम मिलेगा तुम्हें, कब मिलेगा वह सुंदर शाम मिलेगा तुम्हें, तुम प्रेम के पाठ को पढ़ो तो जरा, तुम प्रेम का पाठ पढ़ो तो जरा। और प्रेम वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है साहब, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। श्याम सुंदर के प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए धाम का आश्रय लेना पड़ेगा। कल का प्रसंग श्री सूरदास जी महाराज आप सबने श्रवण किया, 5 वर्ष की अवस्था में ही घर से निकल लिए, समझ में आ गया 5 वर्ष की अवस्था में कि हित तो कीजिए कमल नयन सो, हित तो केवल कमल नयन कर सकते हैं, हित तो केवल युगल कर सकते हैं, हित तो केवल हमारे प्रिया प्रीतम कर सकते हैं। और ये भाव रख के निकल लिए और उस प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए चले हैं अपने घर से गिरिराज जी की ओर, गोवर्धन की ओर, ब्रजमंडल की ओर। और सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर एक पद गाया, आप सब ने श्रवण किया होगा। सूरदास जी महाराज स्वयं कह रहे हैं अपनी रससिद्ध वाणी से, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और हर एक भक्त ने यही कहा, मीरा ने भी यही कहा, अरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मूल रूप से हमारे सबके प्राण पति तो केवल श्याम सुंदर हैं। इस प्रेम सगाई में बंध जाओ, इस बंधन में बंध जाओ, जीवन की अंतिम शाम तक श्याम सुंदर दुल्हा बन के हम सबको वरण करने के लिए पधारेंगे प्यार, लेकिन बनना पड़ेगा। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं भाव से श्रवण करो, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा
दुर्योधन की मेवा त्यागी साग बिदुर घर खाई। हाँ साग बिदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिदुर घर खाई। हाँ साग बिदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे एक बार प्रेम से बोलो श्री बिहारी जी महाराज की। रघुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब सीता जी का हरण करके रावण लंका में सीता जी को ले गए और सीता जी को खोजते खोजते राम जी जब वन में विचरण कर रहे हैं और सुग्रीव ने बताया कि दक्षिण दिशा में लंका है और वन में घूम रहे हैं और लखन लाल जी कहने लगे सरकार आपको तो दक्षिण दिशा में जाना है माँ जानकी की खोज के लिए, लेकिन आप विपरीत दिशा में क्यों जा रहे हो? आपको दक्षिण दिशा में जाना चाहिए जानकी जी की खोज के लिए, आप विपरीत दिशा में क्यों जा रहे हो? राम जी ने कहा कि विपरीत दिशा में जाए बिना दक्षिण में बैठी हुई सीता हमें मिल ही नहीं सकती। लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार में आपका भाव समझ नहीं पाया, आपका कहने का आशय क्या है, भाव क्या है, स्पष्ट करके बताएं ना प्रभु। तब राघवेंद्र सरकार ने कहा देखो जानकी जी भक्ति का स्वरूप है, सीता जी भक्ति का स्वरूप है और बिना भक्त के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, इसलिए अगर जानकी रूपी भक्ति को प्राप्त करना है तो पहले शबरी रूपी भक्त की शरण में जाना पड़ेगा। और भक्तमाल भी तो यही कह रहा है भक्त भक्ति भगवंत गुरु, सबसे पहले भक्तों की वंदना की है। और प्रेमियों याद रखना भक्तमाल में बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, प्राय हर कथा में हम कहते हैं जिस प्रकार किसी गर्भिणी स्त्री के गर्भस्थ शिशु को अगर कुछ भोजन देना हो तो उस बालक को नहीं खिलाया जाता, उस गर्भवती महिला को उस मैया को खिलाया जाता है। और जब उस गर्भवती मैया को भोजन जो मिलता है
तो उसके गर्भस्थ शिशु को स्वतः मिलता है। उसी प्रकार ये संत वैष्णव भक्त हैं, अगर ठाकुर के चरणों का आनंद लेना चाहते हो, वहां गर्भवती स्त्री के गर्भ में बालक है और यहाँ संत के हृदय में बिहारी जी बैठे हैं। संतों के चरणों को पकड़ लो, बिहारी जी के चरणों का सुख आपको प्राप्त हो जाए। राम जी ने यही कहा कि अगर सीता जी को खोजना है, सीता जी भक्ति का स्वरूप है, भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्त की शरण में जाना पड़ेगा, बिना भक्त की शरण में जाए भक्ति महारानी मिल नहीं सकती है साहब। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम से बोलो श्री राधे। बसरर जुन रथ हा क्यों, प्रेम के बसरर जुन रथ हा क्यों, प्रेम के बसरर जुन रथ हा क्यों, प्रेम के बसरर जुन रथ हा क्यों, भूल गए ठकुराई हा, भूल गए ठकुराई, दोनों हाथ उठा के पुकारे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। नाच न चाई हा, गोपियन नाच न चाई, पुकारिए ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ओ राजसुयाग युधिष्ठर कीनो, राजसुयाग युधिष्ठर कीनो, राजसुयाग युधिष्ठर कीनो, राजसुयाग युधिष्ठर कीनो, तामे झूठ उठाई हा, तामे झूठ उठाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
करूं बड़ाई, हाँ कहाँ लग करूं बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय जय एक बार प्रेम से बोलें, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, बोलो मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन। इसका अभ्यास पता कैसे पड़ेगा आपको, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन। अभी घर अपना लगता है, मेरा घर, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, मेरा व्यापार, ये सब मेरा लगता है। वृंदावन कब अपना लगेगा, बस आपको छोटा सा प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? जैसे आप कहीं बाहर से घूम के आए या अपने घर से बाहर घूमने कहीं जाते हैं, कुछ दिन के लिए जाते हैं कि नहीं जाते, और लौट के वापस अपने घर आते ही हैं, वर्ष में 4-5 बार कहीं ना कहीं जाना सबका बनता ही है। 2-4-5 दिन के लिए आप लोग बाहर जाते ही हैं किसी ना किसी काम से। तो वृंदावन अपना कब लगेगा आपको पता है? मान लो आप अपने घर से कहीं घूमने गए और वापस अपने घर आ गए। भाई 4-5 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन वापस तो अपने घर ही आना है। बस हमको यही प्रयोग करना है, थोड़ा सा विपरीत कर देना है। जैसे यहां से वृंदावन गए, वापिस अपने घर पर आए, फिर वृंदावन गए, फिर वापिस। कोई लोग हमारे नगर में तो ऐसे ऐसे ठाकुर जी के रसिक श्रोता हैं, रसिक वैष्णव हैं, जो महीने में 2-2, 4-4 बार भी वृंदावन हुए आते हैं। वो 2-4 बार महीने में गए, 2 दिन वहां बिता के आए, फिर 4 दिन यहां बिताए, फिर 2 दिन वहां बिताए, 4 दिन वहां बिताए। तो बस प्रयोग ये करना है कि जैसे हम कहीं घूम के आए और ये कहते हैं कि अब वापिस अपने घर चलना है, ऐसी वृंदावन में जाने के बाद ये कहो कि वृंदावन मेरा है, वृंदावन से 2-4 दिन के लिए बाहर घूम के आना, ऐसा जय वृंदावन अपना बन जाएगा। अरे अपने घर भी तो वापिस आते हो, तो जब वृंदावन से दर्शन करने के बाद जब बाहर जाने का अवसर आए, कहीं भी जाने का, अपने घर ही आने का, तो बिहार जी से ये कहना, सरकार कुछ दिन के लिए बाहर थोड़ा बहुत काम व्यापार फैला हुआ है, उस पर नजर डालिया है, वापिस तो अपने वृंदावन में ही आना। जिस दिन यह भाव जगेगा उस दिन फिर मेरा घर मेरा मकान नहीं कहोगे, मेरा व्यापार मेरी संपत्ति नहीं कहोगे। अगर कोई पूछेगा भाई आपका क्या है, तो आप यही कहोगे मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन। ये रसिकों का अनुभव है, संतों का अनुभव है, बस ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं जो हमें प्रिया प्रीतम के नजदीक पहुंचाते हैं। मेरो वृंदावन,